वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदान स्थलों की संभाजन एवं मतदाता सूची की प्रगति के संबंध में चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, SDM सुरेश राय, पवन कुमार, अरुण कुमार सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मतदेय स्थलों का संभाजन, मतदाता सूची की प्रगति, मतदाता पहचान पत्रों का मुद्रण एवं उनका वितरण, स्वीप तथा संबंधित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज की इस मीटिंग में सर्वप्रथम हम आपसे वो बिंदु शेयर करना चाहेंगे जो आगामी निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन राज्यों में आज 2022 में निर्वाचन होने हैं उनके CEO के साथ में 15 जून को बैठक की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो नोडल डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सुशील कुमार जी, उनके द्वारा हमसे जुलाई के मध्य में एक मीटिंग की गई थी। 28 तारीख को फुल कमीशन के सामने कार्यकाल उपस्थित हुए थे और 2 तारीख को हमारे यहाँ श्री अनुप चंद पांडे सर जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा भी एक विजिट की। तो पिछले 1.5 महीने में लगभग हमारे यहाँ 4 बार समीक्षा हो चुकी है और उस समीक्षा से कुछ ऐसे बिंदु सामने आए हैं जो आगामी निर्वाचन के लिए हम सबको ध्यान रखने होंगे। उन बिंदुओं को मैं संक्षेप में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम एक बिंदु पर आगे बढ़े। सबसे पहला जो बिंदु है वो है इलेक्टोरल रोल। इस पर निरंतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राज्य की प्रगति भी अच्छी है और हमारा रैंकिंग भी देश में इम्प्रूव हो रही है। इसमें प्योरिटी और इंक्लूसिव कमीशन का विशेष ध्यान है। जो लोग मृत हैं, शिफ्टेड हैं या अन्य किसी कारण से अनर हैं उनके नाम हट जाए और 18 वर्ष से ऊपर का हर वो नागरिक जो वोटर बनने के लिए एलिजिबल है उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पोलिंग स्टेशन का। पोलिंग स्टेशन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, एक औपचारिक आदेश भी आपको निर्गत किया जा चुका है। जो भी पोलिंग स्टेशन बने वहाँ पर जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो गत निर्वाचनों तक नहीं था जो इस बार कोविड के कारण जुड़ा है वो है पोस्टल बैलेट। 80 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वोटर्स और हमारे जितने भी दिव्यांग वोटर्स हैं PWD वोटर्स इन सबको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इसके बारे में मैं आगे आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पर भी आयोग का विशेष जोर है। हमारे RO, हमारे PRO और जनपद स्तर पे जो आपके मास्टर ट्रेनर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स जो कि पोलिंग पार्टीज को प्रशिक्षण देते हैं उन सबके प्रशिक्षण पर आयोग का विशेष जोर है। नेक्स्ट है हमारे लीगल इश्यूज जो कुछ हद तक पुलिस से संबंधित भी है कि गत वर्षों में जो FIRs हुई हैं उनमें चार्जशीट की कार्रवाई कितनों में हो गई, कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा या कितने प्रकरण ऐसे हैं जो अभी तक अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। उसके बाद एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, लॉ एंड ऑर्डर, स्वीप और सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक ग्रीवेंसेस। पब्लिक ग्रीवेंसेस पे भी हम अभी आने वाले कुछ मिनटों में आपसे बात करेंगे, परंतु ये आयोग के मुख्य बिंदु हैं जिन पर आयोग जब भी उत्तर प्रदेश में आएगा तो हमसे और आपसे बात करें। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ग्रीवेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग द्वारा 1200 वोटर्स मैक्सिमम पर इसका कार्यक्रम हमारे यहाँ से भी पूरा हो जाए। अपने जो एग्जिस्टिंग पोलिंग स्टेशन हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे, उनकी वर्तमान जो स्थिति है उसको देखेंगे। 21 तारीख तक हमारी टाइमलाइन रहेगी कि हम
फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में अपना पूरी चीज का प्रपोजल आपके मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से करके उसे फाइनलाइज कर लें और 23 तारीख को इसका ड्राफ्ट पब्लिश करें। 23 तारीख से लेकर और 7 सितंबर के बीच में 15 दिन का समय रहेगा हमारे पास में कि जब हम अगर कोई राजनीतिक दल किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई आपत्ति करता है तो उनके सुझावों को करते हुए उनके जो भी उनके प्रपोजल आते हैं उन पर एक सुविचारित निर्णय हमें लेना होगा। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में हम अपनी कंट्रोल टेबल्स की एंट्री कराएंगे। सेप्टेम्बर 1st वीक में जितने भी हमारे ऑफिसर्स या डीआईओ साहिबान लगेंगे कंट्रोल टेबल की मैपिंग में उनका कवर अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे एक दिन का। 20 तारीख तक हम चाहेंगे कि आपके प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाए ताकि कार्यालय पे उसका परीक्षण करके 25 तारीख को उसे हम आयोग भेज दें जिससे कि ये प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन के बाद या उसके द्वारा कोई क्वेरी की जाती है तो मैक्सिमम 1st वीक ऑफ अक्टूबर में हमारे पोलिंग स्टेशन रेडी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिशन की जो टाइमलाइंस है इसमें पहली टाइमलाइन और अंतिम टाइमलाइन आपकी स्टार्टिंग और एंड की टाइमलाइन है। बीच में जनपद स्तर पर आप इससे अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। सिवा डिस्कशन भी आप एक दिन पहले आगे पीछे कर सकते हैं परंतु 23 तारीख को पब्लिकेशन अवश्य कर दें और 20 तारीख तक हमारे पास प्रस्ताव अवश्य भेज दें। बीच की टाइमलाइन आप अपने सुविधानुसार जनपद की जो भी परिस्थितियाँ उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिशन हर साल होता है। इस बार का बस फर्क यह है कि आयोग ने इसे 1200 अधिकतम पे करने का निर्णय लिया है। जैसा कि मैनुअल ऑफ पोलिंग स्टेशंस पर भी लिंक भेजा गया है और वो हमारी सीईओ ऑफिस की वेबसाइट से और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। हमारे डीओ साहबान भी मैनुअल ऑफ पोलिंग स्टेशन को कृपया डाउनलोड कर लें। एक पतली जो बुकलेट है उसको पढ़। नेक्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमारा चलेगा 2 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में उसमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो बिंदु भी उस मेनू में दिए हुए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपके सामने रख भी दे रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि किसी वोटर को 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने के लिए और जो भी पोलिंग स्टेशन का नाम हो वो करेक्टली स्पेल्ड हो और पोलिंग स्टेशन में मूलभूत सुविधाएँ हों वो हमारी उपलब्ध रहे। यथासंभव यथाशक्ति सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर ही बने ताकि दिव्यांगजनों वृद्धजनों को कोई असुविधा ना हो। नेक्स्ट, ये उस फॉर्मेट के कुछ बिंदु हैं जिन पे जिला निर्वाचन अधिकारी हर साल रजिस्ट्रेशन के बाद में अपनी रिपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट, चूंकि आयोग द्वारा ऑप्टिमम जो नंबर दिया है वो 1200 दिया है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है नेक्स्ट जहाँ पर आपके पास में 300 से कम मतदाताओं पर भी एक पोलिंग स्टेशन बनाने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं तो कृपया जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव भेजें तो उसका सुविचारित निर्णय करके ही भेजें ताकि आयोग के पास में हमारा एक रिजन प्रपोजल जाए कि बहुत कम संख्या में अगर एक मतदेय स्थल प्रस्तावित किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है।